योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुम् नमामः। भगवान की असीम अनुकंपा कि जो हम चिंतन कर पा रहे हैं अपने कर्तव्य के मार्ग का, भगवान तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है वह मार्ग कर्तव्य करते हुए ही वहां पहुंचाता है। कर्तव्य का त्याग करने पर हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और शास्त्र कई बार संकेत मात्र करते हैं, कई बार विस्तार करते हैं। जो विवेक शब्द का प्रयोग किया गया पहले पर्व के लिए परम पद सोपान में, यह विवेक हमें अपने जीवन के हर अवस्था में, हर परिस्थिति में प्रयोग करना चाहिए अपने विवेक का। यह विवेक केवल शब्दों से बंधा हुआ नहीं है, किसी एक परिस्थिति में बंधा हुआ नहीं है। यह विवेक हर परिस्थिति में प्रयोग लेना है। शास्त्रों का वचन है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को नष्ट करता है धर्म उसे नष्ट कर देता है। मनुस्मृति में कहा गया, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हमने धर्म को नष्ट किया तो वही धर्म हमें नष्ट कर देगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो ताकि वह धर्म आपकी और हमारी रक्षा करे। जो जो विपत्तियां समस्याएं हमारे धर्म पर आई, यानी हम पर आई, ये समस्याएं कहां से आई? जब लोगों ने धर्म का तिरस्कार किया, धर्म की बजाय धन को महत्व दिया, धर्म की बजाय लोगों ने जब तात्कालिक लाभ को सम्मान दिया, धर्म की बजाय लोगों ने जब अपने स्वार्थ को महत्व दिया, तब नष्ट हुए, तब उनका पतन हुआ, यह निश्चित बात है। अभी जो 5 अगस्त को
हमारे राम जी के जन्मभूमि पर मंदिर बनने के लिए जो भूमि पूजन हुआ, हर भारतवासी के लिए गौरव का समय, गौरव का क्षण। लगभग 450 वर्षों से इस मंदिर को बनने में कितनी बाधाएं आईं, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन यह समय अब आया कि यह मंदिर बनने का आरंभ हुआ। इसलिए 450 वर्ष में पता नहीं कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, कितनी बार पुनर्निर्माण किया गया, कितने कितने असंख्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके बलिदान को हम भूल न जाएं। आज केवल दिए जलाकर संतुष्ट न हो जाएं। श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि ये भी हमारे परम पद के मार्ग के पड़ाव हैं। यदि हम भगवान की जन्मभूमि का गौरव लौटाने में सफल नहीं हो सकते, तो भगवान की कृपा प्राप्ति में सफल कैसे हो सकते हैं? लोग खुद के जन्मदिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं, बच्चों के जन्मदिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इतना संकल्प तो हमें करना ही चाहिए कि जब तक हमारे राम जी अपनी जन्मभूमि पर विराजमान न हो जाएं, जब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि पर विराजमान न हो जाएं, तब तक हमें संकल्प करना चाहिए, तब तक के लिए तो, कि तब तक हम न तो अपना जन्मदिन किसी प्रकार मनाएं और न अपनों का जन्मदिन किसी प्रकार मनाएं। जब तक हमारे भगवान अपने जन्मभूमि पर विराजमान नहीं होंगे, तब तक हमें अपना जन्मदिन मनाना यह तो बड़े लज्जा की बात है, शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। दुनिया में क्या कहते हैं लोग, उस बात को छोड़ें, हमें सोचना चाहिए अपने कर्तव्य के बारे में। लोग तो अधिकतर अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने कार्यों का निर्णय करते हैं। लोग तो ये हिसाब किताब लगाते हैं हर बात में कि उनको उससे क्या फायदा है। अरे भाई, बाकी फायदे छोड़ो। अरे भाई, तुम्हारे जीने का ही क्या फायदा है यदि तुम राम जी के नहीं हो, यदि तुम्हारा जीवन राम जी के काम नहीं आता, राम जी के आदेशों का पालन करता हुआ जीवन नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा जीवन ही किस काम का है? तुम्हारे जीवन का ही क्या फायदा है? केवल दान करना इतना पर्याप्त नहीं है। केवल धन का कोई छोटा मोटा हिस्सा देने से कोई भक्त नहीं बन जाता। यहां तो अपने जीवन का हर क्षण, हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तु अन्तु लक्ष्मी स्थिरा भवतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। जो धैर्यवान सज्जन होते हैं वो न्याय के पथ से कभी अलग नहीं हटते, वो न्याय के पथ से कभी दूर नहीं होते। चाहे बुद्धिमान लोग भी भले ही उनकी प्रशंसा करें, चाहे बुद्धिमान लोग उनकी निंदा करें, चाहे धन संपत्ति उनके पास आए, चाहे धन संपत्ति उन्हें छोड़ के चली जाए, चाहे इसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाए और चाहे युगों युगों बाद उनकी मृत्यु होने वाली हो, लेकिन सज्जन लोग भक्त लोग न्याय के पथ से कभी अलग नहीं हटते। चिंतन करें हम हमेशा इन बातों का कि क्या ये लक्षण हमारे में सही उतरते हैं, क्या ये लक्षण हमारे में हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास कितना धन है, या आप कम धन वाले हैं या आप ज्यादा धन वाले हैं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आपके पास कितने साधन हैं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आप कितने बलवान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साधनों के अधीन न हो, कि मेरे पास साधन नहीं थे या साधन में यह समस्या रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका लक्ष्य सही हो, आप अपने कर्तव्य करने के लिए पूरी लगन से लगें। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी उल्लेखनीय कार्य किया गया, वह उल्लेखनीय कार्य न तो किसी धनवान ने किया और न किसी ज्यादा बुद्धिमान ने किया। महत्वपूर्ण कार्य किसने किए, महत्वपूर्ण कार्य महान कार्य उसने किए जिसके मन में लगन थी, जो आत्मबल से काम करने वाला था। राम जी की बात चल रही है अभी, राम जी के बारे में ही बड़े सुंदर ढंग से कहा गया भोज प्रबंध के 170वें श्लोक में। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष है पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः तथा पेको राम है सकलमवधीत राक्षसकुलम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। जीवन में बिल्कुल सरल परिस्थिति शायद ही कभी किसी के सामने रही हो। राम जी के बारे में देखिए, राम जी की परिस्थिति देखिए। लंका को जीतना था, उस लंका को जीतना है राम जी को, जो लंका देवता भी नहीं जीत पाए। सारे देवता भी जहां पर हार गए। सामने थी लंका, जिसे लंका को जीतना है राम जी को, और बीच में है समुद्र, और समुद्र को पार करने के लिए साधन क्या, न कोई जहाज है न कोई वायुयान है। अपने
पैरों से चलकर या पैरों से पार होना है। वहां युद्ध में शत्रु कौन कि रावण, कौन रावण पौलस्त, कौन रावण कि जो सबसे बलवान, जिस रावण का बेटा मेघनाद जो इंद्र को भी जीत चुका, जिस रावण का भाई कुंभकर्ण जिसके सामने देवता भी नहीं टिक पाए, ऐसा रावण शत्रु है राम जी का। और साधन क्या, कौन सहयोग करने वाले राम जी के, कि वानर वे हैं सहयोगी, वानर है सहयोगी। यहां पर कहां तो रावण के पास कितने कितने साधन, कैसे बलवान बलवान उसके राक्षस, और यहां पर राम जी के साथी कौन कि वानर है। फिर भी राम जी ने राक्षसों की पूरी सेना को नष्ट किया, रावण का विनाश किया। निश्चित बात है, साधनों की बजाय महापुरुषों का जो कार्य करने का जो ढंग है वो साधनों पर निर्भर नहीं, वो उनके आत्मबल पर, उनके सत्य पर, उनकी उनके सत्व पर निर्भर करता है। कितनी कठिन परिस्थिति, फिर भी राम जी ने कितना महान काम किया था। जितनी विकट परिस्थिति राम जी के सामने थी, कम से कम उतनी विकट परिस्थिति तो आज किसी के सामने नहीं होगी। हमारे राम जी सूर्यवंशी, और सूर्य के रथ के बारे में सोचिए आप, सूर्य की यात्रा के बारे में सोचिए आप, सूर्य जो निरंतर यात्रा पर चलता रहता है, दिन और रात होते रहते हैं, आकाश में सूर्य की निरंतर गति बनी रहती है, उस सूर्य के बारे में सोचिए आप कि उसकी यात्रा भी कितनी कठिन है। कि कैसे कठिन, भोज प्रबंध में ही एक और श्लोक कहा गया सूर्य की यात्रा के बारे में, रथस्येकं चक्रम भुजगयमितः सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गश चरण विकलः सारथिरपि रविर्गच्छत्यन्तम् प्रतिदिनम अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सूर्य नारायण का जो रथ है कैसा विचित्र है, रथ में केवल एक पहिया। सूर्य भगवान के रथ में केवल एक पहिया है, और घोड़े कितने की घोड़े हैं सात, और उन घोड़ों को कैसे बांधा हुआ है, कैसे नियंत्रित करते हैं, तो सांपों की रस्सी से उन सातों घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है। और जो रास्ता है, पथ है सूर्य भगवान का, वहां कोई सीधा सा रास्ता नहीं है, आकाश है, बिना आधार का रास्ता। सारथी है, शायद नाम पता हो आपको, सूर्य भगवान के
सारथी हैं अरुण, गरुड़ जी के बड़े भाई। लेकिन ये सारथी है ना जो अरुण, इनके पैर नहीं हैं, बिना पैरों के हैं, उनके पैर नहीं हैं। तो देखिए सूर्य भगवान के सारथी भी कैसे कि जो पैर के बिना है, और वही सूर्य रोज आकाश के अनंत भाग तक रोज जाते हैं आते हैं, उनकी यात्रा निरंतर चलती है। निश्चित बात है महान लोगों का कार्य आत्मबल से होता है, उनकी लगन से होता है, भले ही साधन हो या न हो। तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम साधनों से भले ही कम रह जाएं, लेकिन कर्तव्य से दूर न रहें। भगवान नहीं देखते कि किसके पास कितने साधन हैं, भगवान तो यह देखते हैं हमारी लगन कैसी है। संसार के छोटे से छोटे काम की बात हो या बड़े से बड़े काम की बात हो, उस कार्य में सफलता और जीवन की सार्थकता कब है, जब हम अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग करें, अपनी लगन का पूरा प्रयोग करें भगवान के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। कठिनाइयां तो भगवान के सम्मुख भी रही, लेकिन जब उन्होंने कभी अपना कर्तव्य का पथ नहीं छोड़ा, तो हम कैसे अपने कर्तव्य का पथ छोड़ सकते हैं। राम जी केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 11वें सर्ग में एक प्रसंग आता है कि राम जी और लक्ष्मण जी वन में चले जा रहे हैं, और एक मुनि थे धर्मभृत। राम जी ने पूछा धर्मभृत मुनि से कि यहां तो न तो कोई भवन दिख रहा है, न कोई राजा महाराजा, न कोई वाद्य बजाने वाले दिख रहे हैं, और ये संगीत की आवाज आ रही है बड़ी सुंदर, ये संगीत की आवाज, ये वाद्य बज रहे हैं, ये कहां से आ रही है आवाज। धर्मभृत मुनि ने बताया राम जी से लक्ष्मण जी से कि एक ऋषि हैं मांडकर्णी, एक मांडकर्णी मुनि, उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़े तपस्वी मुनि। अब जब तपस्या की मांडकर्णी मुनि ने, तो जिन लोगों को उनकी तपस्या से तकलीफ रही, उन लोगों ने मांडकर्णी मुनि को 5 अप्सराएं दे दी, और सरोवर के अंदर, सरोवर के जल के अंदर एक सुंदर भवन बना के दे दिया कि तपस्या छोड़ो, बस ये 5 अप्सराएं हैं, ये आपकी सेवा में रहेंगी, और यहां आराम से रहो आप। तो धर्मभृत नाम के मुनि ने बताई बात राम जी से कि वो मांडकर्णी मुनि का जो महल है वो इसी सरोवर के अंदर, जल के अंदर बना हुआ है, और मांडकर्णी मुनि
तपस्या छोड़कर उन पांच अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं, संगीत सुनते रहते हैं और आराम से रहते हैं। कैसी विडंबना! एक तरफ तो उसी वन में राक्षस लोग ऋषियों को मार कर खा रहे थे, लेकिन मांडकर्णी अपने भोग विलास में लगा हुआ था। कोई जिए कोई मरे उसे कोई परवाह नहीं थी। आज के समय में भी तो बड़े बड़े धनवान अपने खुद के सुख के लिए, अपने खुद के परिवार के सुख के लिए केवल धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। चाहे धर्म का कुछ भी हो, चाहे देश का कुछ भी हो, उन्हें परवाह नहीं रहती। और तो और कई बार तो कई संत महात्मा कहलाने वाले लोग भी केवल अपनी संस्था को धन संपन्न बनाने में लगे रहते हैं। उनकी संस्थाएं केवल उनके मैं और मेरे का विस्तार है, कर्तव्य का विस्तार नहीं है। अरे भाई, जब धर्म ही नहीं बचेगा तो किसी संस्था का अस्तित्व क्या बचेगा? कई ऐसे भी धार्मिक कहलाने वाले मठाधीश जो राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी सवाल उठा रहे थे। अरे भाई, सवाल उठाना तो कौन सी बड़ी बात है? यदि आपके किए कुछ होता हो तो कृष्ण जन्मभूमि पर मूर्त दीजिए, जो वास्तविक काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके लिए मूर्त दीजिए। जरा वो काम भी तो करके दिखाइए। आपने तो कुछ करने में रुचि दिखाई नहीं, बस निंदा के लिए निंदा। एक आलोचना होती है गलती को सुधारने के लिए और एक होती आलोचना बस कमी ही निकालनी है। कई चमत्कारी कहलाने वाले संत महंत कहलाने वाले तो भगवान को बेचकर दाम इकट्ठा करने में लगे हैं, चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने में लगे हैं। यदि ये लोग कोई चमत्कार दिखा सकते हैं तो इनसे कहिए कि गोहत्या बंद करवा दीजिए, देश और धर्म के संकट मिटा दीजिए, वास्तविक कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवा दीजिए, वास्तविक जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा के दिखा दीजिए। यह जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, इसके पीछे लाखों करोड़ों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। किसी के चमत्कार के परिणाम में यह काम नहीं हुआ है। 30-40 साल पहले की बात होगी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरु गोलवलकर जी से पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप हिंदुओं की बात करते हैं बार बार, तो क्या केवल हिंदुओं के लिए भारत है क्या? क्या आपके भारत में मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए कोई जगह है कि नहीं है? आप केवल हिंदुओं की बात ही क्यों करते हैं? गुरु गोलवलकर जी ने बड़ी सुंदर बात संक्षेप में कह दी। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि भारत केवल हिंदुओं के लिए है।
लेकिन एक बात समझ लो। पत्रकारों ने कहा क्या बात? गोलवलकर जी ने कहा कि भारत केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए केवल भारत है। भारत नहीं तो ये कहां? भारत ने तो शरण दी दुनिया के बहुत लोगों को। पारसी समुदाय के बारे में जानते होंगे आप लोग। ईरान से आए ये पारसी। ये पारसी शब्द कैसे बना? ईरान का पुराना नाम है फारस। इंग्लिश में भी उसे बोलते हैं पर्शिया। आज भी वहां पर जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। तो वहां से पारसी लोग भारत में आए। उन पारसियों को भारत ने शरण दी। दलाई लामा और कितने तिब्बती तिब्बत से आए भारत में, भारत ने शरण दी। किसी बौद्ध देश ने शरण नहीं दी। लगभग 50 साल से झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कि वहां बांग्लादेश में कई पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन अब तक उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान अपने देश में नहीं ले रहा। दुनिया में कितने देशों के मुस्लिम शरणार्थी हैं, लेकिन वे सब यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। 56 मुस्लिम देश होंगे, 125 ईसाई देश होंगे। तो मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए इतने सारे देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कितने देश? एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वह भी चीन के षड्यंत्रों के द्वारा वह भी धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया गया। और जो भारत के लिए, अपने भारत के लिए जो कहा गया कि भारत धर्म निरपेक्ष है, यह धर्म निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। हिंदुओं के लिए और कौन सा देश है? और लोग तो कहीं और देश में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के पास इस भारत को छोड़कर और कौन सा देश है? यहां से और पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते रहते हैं कि हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो सकता, सनातन धर्म नष्ट नहीं हो सकता, हमारा भारत नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन केवल भविष्यवाणी करने से क्या होगा? कुछ करने से कुछ होगा। कितना बड़ा था हमारा भारत, कितना विशाल था हमारा भारत, और आज भारत कितना सा रह गया। कभी ऐसा भी समय था, और बहुत पुरानी बात नहीं, 1000 वर्ष पहले की बात, जब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर अंकोर वाट में बनाया गया था। अधिकतर लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा। कभी ऐसा भी था कि आज के 1000 साल पहले की बात, उस समय श्री विजय नाम का एक साम्राज्य स्थापित किया
भारतीयों ने भारत से बाहर कितना बड़ा उस साम्राज्य का क्षेत्रफल, आज के भारत से भी बड़ा क्षेत्रफल उस श्री विजय साम्राज्य का, भारत से बाहर लेकिन भारत से भी बड़ा, आज का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब उस श्री विजय साम्राज्य में थे। अभी 200 साल पहले की बात भी देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का शासन, उनका कितना बड़ा राज्य, आज के पाकिस्तान का आधा हिस्सा, अफगानिस्तान का भी काफी हिस्सा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब 200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में बनाए, उनके राज्य का विस्तार था। अब कितने देश जो भारत की सीमा में थे, कितना हिस्सा कट गया अपने देश का, बर्मा कट गया, बर्मा अलग, अफगानिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, पता नहीं हो आपको कभी नेपाल के लिए भी स्थिति ऐसी थी, नेपाल के ही शासकों ने नेहरू से कहा था कि नेपाल को भी भारत में शामिल कर लीजिए, लेकिन नहीं, लोगों के लिए उनके व्यक्तिगत स्वार्थ बड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ा तो देश का हित देखना चाहिए। कश्मीर के एक राजा थे ललितादित्य, उनके शासन में तिब्बत भी उनके राज्य के अंतर्गत था, तिब्बत भी कश्मीर के शासन के अंतर्गत था। इतिहास को जाने, दोनों इतिहास को जाने हम, भौतिक इतिहास भी, आध्यात्मिक इतिहास भी। भौतिक इतिहास हमें बताएगा, हमें सिखाएगा कि हमारे धर्म का क्या गौरव था, हमारे गौरवशाली पूर्वज कैसे थे, हमारे धर्म के लिए उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए। भौतिक इतिहास भी हमारे कल्याण के लिए है यदि हम उससे सीखें, और आध्यात्मिक इतिहास हमें बताएगा कि हमारा ये जीवात्मा भगवान का दास है, भगवान से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं। दोनों इतिहास को हम जाने ताकि हमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहे। यह कोई राजनीतिक प्रवचन नहीं है, यह तो अस्तित्व का प्रश्न है। अब नहीं तो कब जागेंगे, और यहां इस भारत में नहीं तो फिर कहां जाएंगे। यदि यहां गौरव से नहीं जी पाए तो फिर कहां और कैसा सम्मान और कैसा गौरव। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम अपने भौतिक इतिहास को भी जानें और सीखें
और आध्यात्मिक इतिहास को भी जाने और समझे। जय श्री मन्ना।